कक्षा 10th और प्रश्नावली 17.8। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न बटन का बहुलक ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला, 2, 5, 7, 5, 3, 1, 5, 8, 7 और 5। अब इसके अंदर हमें देखना है कौन सी संख्या, यानी कौन सी इसमें बारंबारता सबसे अधिक बार आ रही है। 2 कितनी बार है, एक बार। 5 कितनी बार है, एक बार, 2 बार और 3 बार और 4 बार, 4 बार है। फिर 3 भी 1 बार है, 1 भी 1 बार है, 8 भी 1 बार है, 7 भी 1 बार है। यहाँ 5 की बारंबारता, यहाँ 5 की बारंबारता सबसे अधिक कितनी बार आई है, एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो यहाँ पे लिख देंगे 4 बार है। अतः आंकड़ों बहुलक 5 होगा आंसर। यह हमारा पहला का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऐसे ही हमें दूसरा देखना है, 2, 4, 6, 2, 6, 6, 6, 7, 8। इसमें 2 2 बार है, 4 1 बार है और 7 1 बार है, 8 1 बार है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब यहाँ 5 की जगह क्या आएगा, यहाँ कौन सी बारंबारता सबसे अधिक बार आ रही है, 6 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। तो यहाँ 6 की बारंबारता सबसे अधिक कितनी बार आई है, यहाँ पे 1, 2, 3, 3 बार है। तो आंकड़ों का बहुलक कितना होगा, 6 आंसर। क्वेश्चन दूसरा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, 2.5, 2.5, 2.1, 2.5, 2.7, 2.8, 2.5। क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब यहाँ पे यानी 2.1 1 बार आया है और 2.8 भी 1 बार आया है, 2.7 1 बार आया, यानी सबसे अधिक बार कौन सा आ रही है बारंबारता, 2.5। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ 2.5 की बारंबारता सबसे अधिक कितनी बार आई है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। कितनी बार आई है, यहाँ पे 4 बार। तो आंकड़ों का बहुलक कितना होगा, 2.5 होगा आंसर। ये फर्स्ट के 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न बारंबारता बटन का बहुलक ज्ञात करो। इसका फर्स्ट है, इसमें इस बार एक्स दर का और एफ दर का है, यानी 3 कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे 2 बार। 4 कितनी बार आ रहा है, 4 बार। 5 कितनी बार आ रहा है, 6 बार। 6 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। 7 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 8 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये देखना है सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है, सबसे अधिक, सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है, यहाँ की 6। अतः इसका बहुलक कितना होगा, 5 आंसर। यानी सबसे अधिक बारंबारता कितनी है इसमें, 6।
तो इसका बाहुल्य कितना होगा, 6 के सामने वाली संख्या कितनी है, 5, तो इसका बाहुल्य कितना होगा, 5 आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू दे रखी 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6। अब इसमें भी ये देखना है कि सबसे अधिक बारमता कौन सी है, 20, 50, 80, 60, 15, 8, कितनी है यहाँ पे सबसे अधिक बारमता, 80, कितनी है 80, तो इसका बहुलक कितना होगा, यानी 80 के सामने वाली संख्या कितनी है, 1.3 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न बारमता बटन का बहुलक ज्ञात करना है, एक तरफ देखिए सदस्य की संख्या, दूसरी तरफ देखिए परिवारों की संख्या। अब इसमें भी वही है, यहां सबसे अधिक, यहां सबसे अधिक परिवारों की संख्या कौन सी है, परिवारों की संख्या, यहाँ सबसे अधिक परिवारों की संख्या कितनी है, यहाँ पे 6, सॉरी 6 नहीं है, 10 है, यहाँ सबसे अधिक परिवारों की संख्या कितनी है, 10, अतः इसका बहुलक कितना होगा, इसके सामने वाली संख्या कितनी है, 6, आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, अब इसमें आयु दे रखी है, बारमता दे रखी है 12, 13, 14, 15 और 16, और नीचे बारमता दे रखी है, यहाँ सबसे अधिक परिवार की देखा जाएगा, यहाँ पे अब बारंबारता, यहाँ सबसे अधिक बारमता कौन कितनी है, 7, कितनी है यहाँ पे, 7, तो इसका बहुलक कितना होगा, 7 के सामने वाली संख्या कितनी है, 14 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, अब इस बार प्रथम निरका विद्यार्थियों की संख्या रखी है, अब हमें देखना है सबसे अधिक विद्यार्थी संख्या, सबसे अधिक विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, सबसे अधिक 26 है, कितनी है 26, तो इसका बहुलक कितना होगा, 26 के सामने वाली संख्या कितनी है, 40 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न बारमता बटन का बहुलक ज्ञात करना है, अब इस बार इसमें वर्ग दे दिया और बारमता दे दी, अब ये क्वेश्चन उससे थोड़ा अलग है, अब इसमें हमें वर्ग दे दिया और बारमता दे दी, अब हमें इसमें सबसे अधिक बारमता कौन सी है, यहां सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता कितनी है, 16, इसका बहुलक वर्ग, इसका बहुलक वर्ग कितना होगा, 20 से 25, कितना होगा, 20 से 25, एल बराबर, यानी एल बराबर होता है बहुलक वर्ग की पहली सीमा, यानी कितनी है, 20, कितना है 20, यहां एल बराबर कितना है, यानी बहुलक वर्ग की पहली संख्या, फिर F1 कितना है, F1 बराबर यानी कितना है, 16, ये F1, ये F0, ये F, F1 कितना है यहाँ पे, 16, F0 कितना है, 7, और F2 कितना है यहाँ पे, F2 12, और x बराबर कितना है, वर्ग अंतराल कितने का चल रहा है यहाँ पे, 5 का। अब बहुलक का सूत्र होता है
बहुलक बराबर एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटे टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच, ये होता है बहुलक का सूत्र। अब हमें सूत्र में जमाना है इसको। एल कितना है यहाँ पे 20 प्लस ब्रैकेट एफ वन का मान कितना है 16 माइनस एफ जीरो कितना है 7, दो गुणा एफ वन कितना है 16 और एफ जीरो कितना है यहाँ पे 7 माइनस एफ टू कितना है 12 इंटू 5। 20 प्लस 16 में से 7 गए तो कितने बचेंगे 9, 16 दूनी 32 माइनस 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 क्या होगा प्लस, 12 7 19 गुणा 5। 20 प्लस 9 बटा 32 में से 19 निकालेंगे 13 इंटू 5 बराबर 20 प्लस 9 को 5 से गुणा करेंगे 9 पंजे 45 बटे 13 बराबर 20 प्लस 45 में भाग देंगे 13 का, 13 ती 39 कितने बच गए 6, उतारेंगे 0, 13 चौक 52 कितने बच गए 8, 13 चिखी 78 कितने बच गए 2, 13 एकम 13 यानी पॉइंट के बाद में 2 अंक तक देना है। 20 में 3.46 है जोड़ेंगे तो 23.46, ये क्या है इसका बहुलक आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, अब यहां पे सबसे अधिक बांधता कौन सी है 14, कितनी है 14, तो इसका बहुलक वर्ग कितना होगा 20 से लेके 30 तक, कितना होगा 20 से लेके 30 तक। अब इसमें बहुलक वर्ग की निम्न सीमा एल का मान कितना है 20 और एफ वन कितना है 14 और एफ जीरो कितना है 12 और एफ टू कितना है 10 और एच का मान कितना है। अब इसमें वर्ग कितने का चल रहा है, अंतराल कितने का चल रहा है 10 10 का, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, अंतर कितने का है 10 का। अब सूत्र में जमाना है, एल का मान कितना है 20 प्लस एफ वन कितना है 14 माइनस एफ जीरो कितना है 12 बटे 2 गुणा 14 माइनस 12 माइनस 10 गुणा 10, 20 प्लस 14 में से 12 गए तो 2 चौदूनी 28 माइनस माइनस प्लस 12 10 22 और गुणा में 10, 20 प्लस 2 बटे 28 में से 22 निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 6 गुणा में कितना है 10, 20 प्लस 10 दुनी 20, 20 बटा 6, 20 प्लस 6 तिया 18 यानी कितना है 3.33, इसमें 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 23.33 लगभग, यहाँ पे लगभग भी लिख दो आंसर। ये क्या है इसका बहुलक। क्वेश्चन नंबर 8, अब इसमें भी हमें देखना सबसे अधिक बांधा कौन सी है, सबसे अधिक बांधा 42, कितनी है 42, इसका बहुलक वर्ग कितना होगा 40 से लेके 50, एल का मान कितना है 40 और एफ वन का मान कितना है 42 और एफ जीरो का मान कितना है 28, एफ टू का मान कितना है 20। अब इसमें अंतराल कितने का चल रहा है 10 10 का, एल का मान कितना है 40 प्लस एफ वन का मान कितना है
42 माइनस एफ जीरो का मान कितना है 28 बटे 2 गुणा 42 माइनस 28 माइनस 20 गुणा 10। 40 प्लस 42 में से 28 गए तो 14 बटे 42 दूनी 84 माइनस 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 प्लस 28 और 20 48 गुणा 10। 40 प्लस 14 84 में से 48 निकालेंगे 36 गुणा 10। 40 प्लस 140 बटा 36, अब 2 से काट दो 7 और 18, फिर 2 से काट दो 35 और 9, यानी 40 प्लस 35 बटा 9। अब इसमें भाग दो 40 प्लस 9 27, कितने बच गए 8। 8 यहां पे उतारेंगे पॉइंट, वहां उतारेंगे 0, तो कितने हो गए 80। 9 अंटा 72, फिर उतारेंगे 8, यानी 3.88। इसमें 40 को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 40 से 3 43.88 लगभग। ये क्या है इसका बहुलक आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, अब यहां पे सबसे अधिक बांधता कितनी है 25 और इसका बहुलक वर्ग कितना होगा 58 से लेके 61। एल का मान कितना है 58 और एफ वन का मान कितना है 25, एफ जीरो का मान कितना है 20 और एफ टू का मान कितना है 10 और वर्ग अंतराल कितने का चल रहा है इसमें, अब 52 से 55 कितना अंतर है इसमें बीच में 3 का, 55 से 58 यानी 3-3 का अंतर चल रहा है यहाँ पे। एल का मतलब लोअर लिमिट यानी कितनी है यहाँ पे 58 प्लस 25 माइनस 20, 2 गुणा 25 माइनस 20 माइनस 10 गुणा 3। 58 प्लस 25 में से 20 गए तो कितने बचेंगे 5, 25 पंजे 125 माइनस माइनस प्लस 20 10 30 गुणा 3। 58 प्लस 5 बटा 125 में से 30 निकालेंगे तो यहां पे बचेगा 95, कितना बचेगा 95 बटे 3। 58 प्लस 5 दिया 15 बटे 95, सॉरी यहां पे गलत हो गया, 25 दुनी 50 आएगा यार, सॉरी 25 दुनी 50 माइनस माइनस प्लस 58 यानी 50 में से 30 गए तो कितने बचेंगे 20, 5 3 15, 15 में भाग देंगे किसका 20 का। 58 प्लस, अब यहां पे 15 में किसका भाग देना है 20 का, ऊपर क्या है छोटी संख्या नीचे क्या है बड़ी संख्या, तो जाएगा नहीं भाग 0 पॉइंट, यहां उतारेंगे 0 हो गए कितने 150, 20 आते 140 कितने बच गए 10, 20 पंजे 100, इसमें 0.75 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 50.75 आंसर। ये क्या है इसका बहुलक, सॉरी यहां पे आएगा 58, यहां पर भी आएगा 58, हाँ अपना बहुलक कितना है 58.75 आंसर। ये आज हमारी प्रश्नावली 17.8 कंप्लीट हो गई है और
आपके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।